दीप ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीप भट्ट में पापम दीप ज्योति नमोस को दे श्री संजय पांडे जी हमारे बीच में मंच पर आ जाएं कृपया। जदयू के जिला अध्यक्ष हमारे बीच हैं उमेश जी का आज सिवान जिला के लिए बहुत सुखद और बेहतर दिन है जब सिवान के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में राज्य सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग लोगों को सुविधाओं का विस्तार और उन्नयनीकरण के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज सिवान सदर अस्पताल जो ब्रिटिश काल का बना हुआ है, काफ़ी पुराना भवन हो गया था और उस भवन में स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही थी और दी जा रही हैं, इसमें अब मॉडल सदर अस्पताल के रूप में इसको बनाने का निर्णय हुआ है और आज मंच पर उपस्थित सभी लोगों के द्वारा यहाँ की जनता की उपस्थिति में कई जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सदर अस्पताल के शिलान्यास का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। यह सदर अस्पताल 150 बेड का होगा। 36,47,00,000 रुपए की लागत से यह सदर अस्पताल 2 साल में बन के पूरा होगा और इस अस्पताल के अंदर ही सीटी स्कैन की भी सुविधा दी जानी है, जिसके भवन का कार्य बन के पूरा हो गया है। अगले 1.5 से 2 महीने में मैं समझता हूँ कि सीटी स्कैन की भी सुविधा इस सदर अस्पताल के अंदर लोगों को मिलने लगेगी। इसके अलावे सदर अस्पताल के सामने जो जमीन है वहाँ पर भी 42 बेड का पीकू वार्ड, मतलब बच्चों का आईसीयू बनने का सरकार के द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। निविदा प्रक्रिया हो चुका है और निविदा प्रक्रिया अब अंतिम चरण में, मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने में उसके भी शिलान्यास का काम हो जाएगा। वह प्री फैब स्ट्रक्चर होगा और वह 6 महीने में बनके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगले 2 वर्ष में सिवान सदर अस्पताल की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी और एक बेहद आधुनिक नए मॉडल में यह सदर अस्पताल सिवान जनता की सेवा में उपलब्ध रहेगा।